तो अब आगे बढ़ते जी, देर की बात कर लेते हो, तो जब आपको ऑफिस जाने में देर हो रही हो तो सबसे जल्दी ऑफिस में बल्कि कहीं भी जाने में देर हो रही हो तो सुबह सुबह सबसे पहले आपको जल्दी नाश्ता करना, तो एक ही चीज आती है, वो है चाय पापे। चाय पापे, चाय बनाए, दो तीन पापे डुबोए उसमें और खाए और निकल जाए, और आपको तसल्ली हो जाती है कि आपने नाश्ता अच्छा कर लिया है। और चाय रस का नाश्ता इंतहाई सिंपल और सबसे मजेदार भी होता है। लोगों ने रस रखे होते हैं कि जल्दी से भाई चाय, और फिर वही बात हो जाती है कि चाय तो आपकी कप में आती है लेकिन वो आधी चाय तो आपके रस ही पी जाते हैं। आधी नहीं, सारी चाय रस ही पी जाते तो है। वो एक जो बड़ा डूंगा मेरे जैसा जो चाय का शौकीन इंसान है वो दोबारा से कप भरता है, फिर चाय नहीं, वो बड़ा बर्तन उसके लिए फिर पेश किया जाता है, बड़े बर्तन में उसमें चाय पीते हैं बिल्कुल, ताकि चाय ज्यादा हो और आपका रस भी पिए और आपको भी मिल जाए। तो चाय में रस, मतलब दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं, रस भी, पापे भी और आप भी, मतलब दोनों। लेकिन इवेंचुअली रस ने तो आपके पेट में ही चले जाना है, लेकिन पहले तो वो पीता ना। लेकिन जैसे कोई बकरा पानी पीता है तो वो पीता तो खुद है लेकिन बाद में खाते भी हम उन्हें खुद। क्या मतलब भाई, लॉजिकली बात है कि आपको समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, ये अब पता नहीं क्या लॉजिक जोड़ दिया। बहरहाल चाय में रस डुबो डुबो के में इतनी आदत पड़ गई कि अब बिस्किट भी हम चाय में दूध में डुबो के खाते हैं, फ्रूट केक आ जाए वो भी हम उसमें डुबो के खाते हैं। लॉजिक समझा देता हूँ, हम बकरे को कुर्बानी में कितना अच्छा खिलाते पिलाते तैयार करते, उसको जिबा करके खुद खाते ताकि वो सेहतमंद हो, इसी तरह हमने पापे खाने होते। अच्छा, तो आप उसको सेहतमंद बनाते हैं, इसलिए सॉफ्ट करते ताकि वो गले से उतर जाए, और काफी दफा इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो नीचे अंदर ही गिर जाता है, फिर आपको चम्मच से खा के खाना पड़ता है अक्सर। तो मेरा ख्याल है लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है। तो इस हवाले से भी एक रिपोर्ट है हमारे पास कि चाय रस के, ये तो हमने बता दिए कि क्या क्या होता है इसके अंदर, कुछ और भी इसके फायदे होते हैं वो उस रिपोर्ट में मौजूद हैं, आइए आप देखें। चाय रस का नाश्ता हमारे मुल्क की ज्यादातर आबादी का पसंदीदा नाश्ता करार दिया जाता है। एक तो ये आसान होता है, इसके साथ साथ कम कीमत भी होता है, लेकिन इसके हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोग नहीं जानते। आज हम आपको इसके हवाले से कुछ बताएंगे। रस की तैयारी की बुनियादी अज्जा में वैसे तो मैदा, चीनी, खमीर और घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्केट में मौजूद ज्यादातर रस में इस डबल रोटी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बासी हो चुकी होती है। यही वजह है कि अक्सर दुकानों पर से कंपनी वाले बासी डबल रोटी खुशी खुशी उठा लेते हैं क्योंकि इन्हें इससे रस बनाने होते हैं। बासी डबल रोटी पर फफूंदी लग जाती है जो कि जहरीली होती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुजर होती है, और इसको जब रस की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंसान के निजामे इन्हजाम को खराब करने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी का भी बाइस बन सकते हैं। रस की तैयारी में जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो घी या मार्जरीन की सूरत में होता है जो कि इंसानी जिस्म के दर्ज हरारत पर जम जाता है, और मुस्तकिल तौर पर इसका इस्तेमाल खून की नालियों पर जमकर दिल के दौरे का भी बाइस बन सकता है। मुख्तलिफ बेकरी वाले रस की लज़त को बढ़ाने के लिए इसमें बड़ी मकदार में चीनी का इस्तेमाल करते हैं। रोजाना इसको खाने में इस्तेमाल करने से जिस्म में शुगर लेवल में इजाफा होता है जो कि इंसान को डायबिटीज के खतरे का शिकार भी कर सकता है। रस की तैयारी में रिफाइंड मैदे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से फाइबर बिल्कुल निकाल दिया जाता है, और बगैर फाइबर की गजा के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। सुबह नूर, मेट्रो टाइम न्यूज, लाहौर। तो ये तो थी रिपोर्ट चाय पापों के हवाले से। हमने